सो नमस्कार, मैं हूं नितिन आनंद, आप देख रहे हैं ब्रिस्क लर्निंग चैनल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आइए अब देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर होता क्या है। अगर कोई इंसान फिजिकली फिट है, यानी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, या सीधे सीधे लफ्जों में वो बंदा फर्टाइल नेचर का है और वो बंदा मेंटली भी बहुत फिट है, लेकिन उसका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, यानी शादी होने के कुछ साल बाद ही उसने अपनी क्रिकेट टीम खड़ी कर ली और साथ ही साथ वो बंदा सोशल भी नहीं है, यानी उसे सामाजिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, या फिर कोई इंसान फिजिकली वीक है, यानी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही तरह से काम नहीं कर रहे, या कुछ रीजनों की वजह से वो बंदा इनफर्टाइल हो चुका है, मगर वो मेंटली बहुत ज्यादा ही फिट है और उसका बिहेवियर भी अच्छा है और वो बंदा सोशल भी है, लेकिन तभी भी हम उसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं बोलेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने के लिए इंसान को फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, यानी वो बंदा फर्टाइल नेचर का होना चाहिए और मेंटली फिट होना चाहिए, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी वो बंदा हम दो हमारे दो में विश्वास रखे, और वो बंदा सोशल भी होना चाहिए साथ ही साथ। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने के लिए इंसान को इन सब फैक्टर में सही होना चाहिए। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो इसका डेफिनेशन होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइक फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल। अगर मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हों तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, और इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट्स रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में आके पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो हर जगह सर्कुलेट हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन।